आज आखिरकार एमजी मोटर्स की ZS इलेक्ट्रिक SUVs को इंडिया में डेब्यू किया गया है। लॉन्च नेक्स्ट मंथ ड्यू रहेगा फाइनल लॉन्च, और उसी वक्त इसका प्राइस का भी हमें क्लियर होगी। काफी डिटेल्स ऑलरेडी पता थी, लेकिन फिर भी आज कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए हैं जो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, बने रहेगा वीडियो के साथ अंत तक। आप देख रहे हो सिंह ऑटो ज़ोन का नया एपिसोड, यहाँ आपको मिलती रहेंगी टॉप न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज एमजी की इलेक्ट्रिक एसयूवी ZS को डेब्यू किया गया है। लॉन्च नेक्स्ट मंथ इनका कंफर्म है, डेट अभी फाइनल नहीं है, और उसी दिन प्राइस का भी क्लैरिटी होगी। काफी कुछ डिटेल्स क्लियर थी, कुछ फिर भी कुछ नई ऐड हुई है, तो दोनों ही डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। यहां पूरे वाक्य में जो मैं इवेंट देख रहा था इनका, उसमें काफी मैंने देखा कि काफी कंपनी ये क्लियर करना चाहती है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही लॉन्च नहीं किया है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यानी कि चार्जिंग इंफ्रा, उसको भी डेवलप करने पर कंपनी ने काफी जोर दिया है। तो ये सब भी हम इस किस किस वे से इलेक्ट्रिक इंफ्रा डेवलप किया है ये सब बात करेंगे, कैसे वो हमारे हेल्पफुल होने वाला है वो भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी आज क्लियर हुए हैं, वो भी इस वीडियो में क्लियर आपके साथ उतर आएंगे। स्टार्टिंग में 5 सिटीज में लॉन्च किया जाएगा, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, और इन्हीं के आसपास ये चार्जिंग इंफ्रा भी पहले डेवलप किया जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया में लॉन्च करें, नहीं, 5 सिटीज में लॉन्च किया तो 5 सिटीज में ही चार्जिंग इंफ्रा पहले डेवलप किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले होम चार्जर 15 एम्पियर का, उसके अलावा सेकंड एक और 7.2 किलोवाट का चार्जर, पोर्टेबल चार्जर आपको दिया जाएगा, जो कि जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर पर भी इंस्टॉल करवा सकते हो या अपनी गाड़ी में भी रख सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चार्जर रहेगा। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर, जिसके लिए फोटम कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। ऑलरेडी इनके जितने भी इन सिटीज में शोरूम है वहां पर इस DC फास्ट चार्जर 50 किलोवाट का जो है उसको इंस्टॉल किया जा चुका है, और उसके अलावा अदर और पब्लिक लोकेशन पर भी इसको आगे सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा अगर ऑन रोड आपको कभी कोई दिक्कत आती है, आपको चार्जिंग रिक्वायरमेंट बनती है, तो उसके लिए भी एक कंपनी है एलियंस, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है ताकि आपको रोड साइड असिस्टेंस, चार्जिंग असिस्टेंस कह सकते हैं जिसको, वो आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो नेविगेशन है, जो टच स्क्रीन है उसमें नेविगेशन रहेगा टॉम कंपनी का, वो भी आपको रियल टाइम आपके आसपास, आप जिस भी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी लोकेशन पर आपके आसपास 50 किलोमीटर में कौन कौन सा चार्जिंग इंफ्रा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है और उसमें कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल है, ये सब जानकारी आपको ऑन स्क्रीन लाइव आपको मिलती रहेगी। ये सब काफी अच्छे जैसे इसके मुझे जो अच्छे लगे पॉइंट इस पर है, स्पेशली दूसरा एक और कि अगले आने वाले 1-2 साल में एक असेंबलिंग प्लांट लिथियम आयन बैटरीज का वो भी इंडिया में डिवेलप करेगी एमजी की जो मेन कंपनी है SAIC और चाइनीज CATL जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मिलकर इंडिया में इसका प्लांट लगा सकते हैं, असेंबलिंग प्लांट। उसके अलावा फीचर्स और जो हमें इसमें इनबल्ट AC एयर फिल्टर है, PM2.4 लेवल तक का जो एयर फिल्टर कर सकता है, 300 AQI ये इंडेक्स काफी खराब माना जाता है दिल्ली में, आजकल इसी लेवल का इंडेक्स चल रहा है, इसको विद इन 100 72 75 AQI की रेंज में लेकर आएगा 30 मिनट्स में। इस तरह का ये बड़ा हाई एफिशिएंट ये एयर क्लीनर एयर फिल्टर इस गाड़ी में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो DC फास्ट चार्जर है 50 किलोवाट का, 80% चार्जिंग इन जस्ट 30 मिनट, 30 मिनट में आराम से इसकी चार्जिंग हो जाएगी। फोर्ट्रम की प्लानिंग है कि विद इन सिटी हर 5 किलोमीटर पर और विद इन हाईवे हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप करने की इनकी प्लानिंग है एमजी मोटर्स की फोर्ट्रम के साथ मिलकर। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है बिल्कुल पिकअप इसको कहते हैं हम, 0 to 100 इन जस्ट 8.5 सेकेंड, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, ठीक है गाड़ी के हिसाब से। बैटरी पैक बता चुका हूं कि यहां आज थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है इसकी रेंज की, 44.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, रेंज कभी 300+ या 400+ ऐसा कहा जाता है, बट यहां कंपनी ने आज क्लियर की है कि आपको 340 किलोमीटर की एक्चुअल ऑन रोड एक्चुअल में जो है आपको रेंज इतनी मिलनी ही मिलनी है, इससे ज्यादा मिल सकती है, इससे कम नहीं मिलेगी जब हम एक्चुअल की ऑन रोड की बात करें, क्योंकि उसमें सभी तरह के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। ऑन रोड जो एक्चुअल आज उन्होंने बताया कि 340 किलोमीटर आपको रेंज मिलेगी अगर आप थोड़ा आराम से चलाते हो, ज्यादा पुश नहीं करते हो, AC का कम यूज करते हो, इस तरह कुछ और मेजरमेंट लेकर चलते हो, तो आपको इससे ज्यादा भी रेंज मिल सकती है। अगर आप बिल्कुल लिमिट में चलाएं 120-130 की स्पीड तक ना जाएं तो बिल्कुल आपको ज्यादा रेंज भी यहां मिल सकती है, 340 तो आपको मिलेगी ही मिलेगी एक्चुअल में, जो कि अच्छी बात है।
आगे चलें दोस्तों, जो बैटरी पैक है IP67 जो कि वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ भी कह सकते हैं इसको, इस तरह भी समझा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कभी आपकी गाड़ी फंस जाती है 1 मीटर पानी यानी कि 3.25 फुट के आसपास पानी में भी गाड़ी फंस भी गई तब भी आधे घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा अगर आप गाड़ी पानी में रहती है तो मे भी कुछ दिक्कत आ सकती है, बट आधे घंटे की वारंटी गारंटी यहाँ कंपनी ले रखी है कि 1 मीटर लेवल पानी तक अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है आधे घंटे के लिए तब भी कोई इसमें दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक नया वॉइस असिस्टेंट सिस्टम या वॉइस कमांड जिसको कहते हैं वो लॉन्च किया गया सिस्टम, जिसको नाम रखा गया है अवीरा, स्पेशली ZS के लिए इसको डेवलप किया है। हेक्टर जिसको इंटरनेट कनेक्टेड कार कहा जाता है, बिल्कुल ZS भी एक इंटरनेट कनेक्टेड कार है बट उससे ज्यादा यहाँ वो सब तो फीचर मिलेंगे जिसके लिए स्पेशली आई स्मार्ट 2.0 और कनेक्टेड कार सिस्टम डेवलप किया गया है सेम एज हेक्टर। उसके अलावा आपको यहाँ चार्जिंग, रियल टाइम चार्जिंग स्टेशन, रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस, आपकी बैटरी में कितनी बैटरी है और हर जब भी आपकी बैटरी कम होगी 30% या उससे कम है आपको रिमाइंडर आएंगे, इस तरह के फीचर्स आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिक्वायर्ड है स्पेशली चार्जिंग से रिलेटेड वो रिमाइंडर वो कनेक्टेड आपके फोन पर या आपके ऑन स्क्रीन ये सब आपको दिखते रहेंगे। मतलब यहाँ पर आपको हेक्टर से भी ज्यादा इंटरनेट कनेक्टेड फीचर्स हैं वो यहाँ आपको मिल सकते हैं। प्राइस का आइडिया जनवरी में ही होगा जब इसकी फाइनल लॉन्च होगा, फिर मेरा मानना कि 22 से 25 लाख के बीच में, 25 तो नहीं आई थिंक कोना के ऊपर तो इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए, बट ये लेंथ में कोना से बड़ी है, साइज में ये कोना से गाड़ी बड़ी है। कोना में जहाँ दिक्कत थी कि जो पीछे सीट्स है जो लेग स्पेस रहता है वो कम है, लेकिन यहाँ पर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी लंबी है तकरीबन 4-4.5 इंच ज्यादा, तो वो दिक्कत यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ओवरऑल गाड़ी को बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। बाकी कोई और नया अपडेट जब भी इसका प्राइस का कुछ आइडिया होगा क्या या कोई और नया अपडेट निकल कर आएगा आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।